दोस्तों स्वागत है और एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं जा रहा हूँ मेरा गाड़ी का टायर चेंज करने के लिए, मतलब अभी जा रहा हूँ टायर खरीदने के लिए। देखते हैं कौन सा टायर लगाते हैं। थोड़ा सा चौड़ा टायर लगाने का इच्छा है मुझे, अपोलो अल्फा H1 या फिर मिचलिन पायलट स्ट्रीट, ये दोनों में से कोई एक लगाऊंगा पिछले पहिए में अगर मिला तो। तो अभी जा रहे हैं और सब लोगों को दिल से शुक्रिया क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गया है मेरा। और आज से तुम्हारा भाई हफ्ते में एक दो लॉन्ग वीडियो छोड़ने की कोशिश करेगा। चलिए चलते हैं और रोड में क्या देखने को मिलते हैं देखते हैं। और दोस्तों सबके पास रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो। अभी थोड़ा सा खींचते हैं डाउनशिप में, फिर से डाउनशिप। बहुत दिनों के बाद हुआ है 1000 सब्सक्राइबर मेरा। ये देखिए रोड में गड्ढा है, मतलब रोड बनाया बना के छोड़ दिया ऐसे ही। पीछे एक गाड़ी है उसको जाने देते हैं पहले, नहीं तो फोर व्हीलर है ठोक देगा भाई। 1.5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तब इस बाजार में आके मैं सब्जी खरीदूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि गांव के अंदर सब्जियां कितना सस्ता मिलता है और कितना वेरिएंट मिलता है एकदम ताजा फ्रेश। दोस्तों अभी भी 7 किलोमीटर दिखा रहा है। मैं बहुत दिन पहले यूट्यूब शुरू किया था लेकिन पढ़ाई के प्रेशर की वजह से छोड़ दिया था। मेरे जिंदगी में 3 आदमी है, उन लोगों की वजह से मैं यूट्यूब फिर से चालू किया। नहीं तो मैंने सोचा था अगर कोई जॉब वॉब मिल जाए उसके बाद मैं यूट्यूब करूंगा। नहीं कोई ना, सब कुछ करना चाहिए एक साथ में, लेकिन किसी तरफ भी नुकसान ना हो कोई। यहाँ पर भी बहुत सारा राइडर है भाई साहब, क्या राइडर है भाई। टोल गेट है दोस्तों सामने, लेकिन ये बंद हो चुका है क्योंकि बॉर्डर के 50 किलोमीटर के अंदर आप कोई टोल नहीं चला सकते, इसलिए ये टोल गेट बंद पड़ा है। या फिर सिर्फ बाइक का शूटिंग होता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, 10 कमेंट आएंगे तो मैं यहाँ पे आके शॉर्ट वीडियो के लिए शूट करूंगा। तो ये देखिए टोल गेट 1 लेन 2 लेन 3 लेन, यहाँ पे सब इंस्ट्रूमेंट भी लगाया हुआ था ये देखिए, लेकिन सब कुछ बंद हो गया। बस तो 2 किलोमीटर बचा है, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, करीब और भी 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा और दूसरा एक्शन। क्या हुआ बोल रहा हूँ, रोड का देखिस यू टर्न भैया, रोड गलत हो गया। क्योंकि नेविगेशन देख के हम आ रहे थे, आगे चलाया हम, लेफ्ट लेना पड़ा है अभी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं, यही ना सामने मुना है अपोलो अल्फा H1 আছে কাকু অ্যাপাচি এই মিচলিনেরও নেই টিভিএস এর রেমোরা, টিভিএস এর রেমোরা হলে নেব না, রেমোরাই তো আছে। নেটে দেখাচ্ছিল যে আপনার কাছে মিচলিন অ্যাপোলো সব আছে, সিট নেব না থাক তাহলে। দোস্ত ইয়া পর নেই হ্যা ক্যা বাতায়, বাপে কুছ ভি নেই থা, সিফ সিট কা থা আর টিভিএস কা থা। টিভিএস কা ইউরো গ্রিপ কা নিউ মডেল জো হ্যায় বো ভি নেই থা, আগার বো থা বো ভি মাই লে লেতা। 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा हम लोगों को, उसके बाद एक शोरूम है, देखते हैं क्या मिलता है। अगर किस्मत अच्छा होगा तो मिल जाएगा, किस्मत अच्छा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्या करें, जो मिलेगा उसको लेके लगाना पड़ेगा। मैं दोनों टायर को एक साथ में चेंज करना चाहता हूँ। गूगल बाबा जी ने धोखा कर रहा है हम लोगों के साथ, आ तो नहीं सकेगा, फोर व्हीलर का यही प्रॉब्लम है, आ नहीं सकेगा फिर भी आने का कोशिश करता है। तो ये जो रोड देख रहे हैं अब, ये है NH 34, नेशनल हाईवे 34 रोड का हालत देख सकते हैं आप, कितना दूर है। चलो कोई टायर शोरूम दोस्तों मिल तो गया एक शोरूम, ये देखिए तो ब्रिजस्टोन। तो इस शोरूम में अगर मिले तो अच्छा ही होगा। यहाँ पर एक रॉयल एनफील्ड का शोरूम था, कहाँ मालूम नहीं, किस्मत अच्छा होगा तो मिल जाएगा दोस्तों। ये रोड का ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर, क्यों लाचे काकू रिम साइज 17 110x70 17, हाँ किंतु 120 नेबो আমি, 120 70 17। ये जो शोरूम है इनका बिहेवियर इतना बुरा था, धूल ने पूरा खा लिया भाई।
ये रोड बहुत ही खतरनाक रोड है भाई, अभी जाना पड़ेगा मुझे। क्या है अंकिल जी, कैसा आदमी है, अगर अगर क्या बताओ। ये भैया कितना स्पीड में टर्निंग ले रहा है भाई। तो सामने और एक शोरूम है, वहाँ पे जाएंगे हम। अब भैया कैसा है? अच्छा। ए जी अपोलो टायर्स भैया, मिल गया अपोलो टायर का शोरूम। अपोलो अपोलो अल्फा H1 আছে, এটা একটু বড় সাইজের আছে 120। তো দোস্তো ফাইনালি মিল গয়া, ये मिचलिन का टायर है, मिचलिन पायलट स्टिक 2 फ्रंट वाला। और ये आप लोग S1 120 एक्साइज बड़ा कर रहा हूँ मैं, बहुत ढूंढने के बाद दोस्तों मिल गया। तो अभी चलेंगे घर, उसके बाद इसको इंस्टॉल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। 10-15 किलोमीटर तक धूप में सड़ता रहा, इस मकान पर वो मकान पर 3-4 घंटा हो गया, उसके बाद जाके मिला। तो ये टायर कैसा लगा बताइए आप लोग। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम घर, लेकिन कुछ खाना पीना खाएंगे, उसके बाद जाएंगे, क्या खाए दिखा जाए। टायर कैसा लगा ज़रूर बताएं आप लोग। ये देखिए अल्फा S1, सोचा था H1 खरीदूंगा, लेकिन उतना पैसा नहीं था मेरे पास, मतलब दो टायर खरीदने का उतना पैसा नहीं था, इसलिए H1 ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कितना रुपया पड़ा है दोनों टायर मिल के। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, हम कुछ खा लेते हैं।